अब हम जिस तीसरे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन की बात करेंगे वो है शेप दोस्तों शेप ग्राफिक डिज़ाइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजुअल एलिमेंट की हैसियत रखता है पिछले दो लेसन में मैंने आपको डॉट और लाइन के बारे में काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की थी दोस्तों आपको ये जान के हैरत होगी कि डॉट और लाइन से शेप का बहुत ही करीबी और गहरा ताल्लुक है पिछले लेसन में हमने ये देखा था कि डॉट्स से आपस में मिलकर लाइन क्रिएट होती है और जिस तरह से डॉट्स आपस में मिलके लाइन क्रिएट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से जब लाइंस आपस में कंबाइन होती हैं या मिलती हैं तो वो शेप्स को जन्म देती हैं दोस्तों हमारे इर्द गिर्द हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं तकरीबन वो तमाम की तमाम चीज़ें किसी ना किसी तरह से या तो बज़ात खुद शेप की हैसियत रखती हैं या फिर कुछ शेप्स की मदद से मिल के बनी हैं अगर हम शेप को डिफाइन करने की कोशिश करें तो जब एक्चुअल या इम्प्लाइड लाइंस आपस में कंबाइन होती हैं और किसी एरिया को सराउंड कर लेती हैं यानी कि घेर लेती हैं तो दोस्तों शेप क्रिएट हो जाती है जैसा कि हमने लाइन को स्टडी करते हुए देखा कि लाइन टू डायमेंशनल भी हुआ करती है और थ्री डायमेंशनल भी हुआ करती है बिल्कुल इसी तरह से शेप्स टू डी भी हुआ करती हैं और थ्री डी भी टू डी या टू डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनको पेपर पे हम ड्रॉ करके देखते हैं या किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ किया जाए या बनाया जाए इसके बरक्स थ्री या थ्री डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स हुआ करती हैं दोस्तों जिनको हम चारों अतराफ से देख सकते हैं और उनका हर तरफ से मुशाहिदा कर सकते हैं मिसाल के तौर पे दरख्त पौधे जानवर स्कल्पचर्स और हम खुद इंसान ये तमाम थ्री शेप्स ही हैं दोस्तों शेप्स को तीन तरीके से आम तौर पे हम पेपर पे ड्रा करते हैं सबसे पहला तरीका तो ये है कि हम किसी भी शेप को जस्ट आउटलाइन या स्ट्रोक की सूरत में ड्रा कर सकते हैं इसके अलावा हम किसी भी शेप को कोई भी कलर फिल करके भी ड्रा कर सकते हैं और इसके अलावा हम शेप को नेगेटिव स्पेस की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर शेप्स की अफादियत क्या है या एप्लीकेशन क्या है तो याद रखिए शेप्स ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन बनाते हुए आपके डिज़ाइन में डेकोरेशन के काम भी आ सकती हैं इसके अलावा मटेरियल या कंटेंट ऐड करने या बढ़ाने का काम भी दे सकती हैं सबसे बेहतरीन काम जो शेप्स हमारे डिज़ाइन में करती हैं वो ये कि ये देखने वाले के लिए इंटरेस्टिंग एलिमेंट का काम करती हैं और हमारे डिजाइनस के अंदर इंटरेस्ट लेवल को बूस्ट कर देती हैं दोस्तों इसके अलावा बाजुकात हम इन शेप्स को अपने डिजाइंस में सिंबल्स के तौर पे भी यूज करते हैं अभी थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसके अलावा हम शेप्स को टेक्सचर्स और पैटर्न्स बनाने के लिए भी काम में लाते हैं दोस्तों आम तौर तीन किस्म की शेप्स हुआ करती हैं नंबर वन ज्योमेट्रिक शेप्स नंबर टू शेप्स और नंबर थ्री एब्स्ट्रैक्ट शेप्स तो चले आए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये ज्योमेट्रिक शेप्स क्या हैं ऑर्गेनिक शेप्स क्या हैं और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स क्या हैं दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स की आपको याद होगा बहुत बचपन में जब आप मैथ्स पढ़ा करते थे तो मैथ्स के किताबों में आपने बहुत सी मुख्तलिफ जमेट्रिक शेप्स का मशाहिदा किया जैसे कि सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वायर, पैरालेलोग्राम वगैरह ये वो शेप्स हुआ करती हैं जिनको हम किसी भी टू डी सर्फेस के ऊपर जैसे कि पेपर वगैरह पे कंपस और रूलर की मदद से ड्रा कर सकते हैं इसके अलावा जो दूसरी टाइप है यानी कि ऑर्गेनिक शेप्स ये वो शेप्स हैं जिनको हम किसी भी सरफेस पे फ्री हैंड तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं बग़ैर किसी रोलर वगैरह की मदद लिए और ये वो शेप्स हुआ करती हैं जिनका ताल्लुक़ आम तौर पे हमारे इर्द गिर्द मौजूद नेचर से है ऑर्गेनिक शेप्स के अंदर पत्ते फूल पौधे दरख्त इंसान जानवर ये तमाम चीज़ें आ जाया करती हैं इसके अलावा एक तीसरी बहुत अहम जो टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स दोस्तों ये जो तीसरी टाइप है ये पहली दो टाइप से मिलकर ही बना करती है यानी कि ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप से मिलकर ही एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बना करती हैं लेकिन ये बाजुकात हमारे लिए बहुत काम आती हैं जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शेप्स की मदद से हम सिंबलिज्म का काम भी लिया करते हैं तो दोस्तों मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आप लोगों ने कभी किसी भी जगह पे पब्लिक टॉयलेट्स तो यूज़ किए होंगे उनके दरवाजों पे आपने लेडीज और जेंट्स के दो ये साइन देखे होंगे दोस्तों ये जो साइंस हैं ये डेफिनेटली शेप ही है और ये जोमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप से मिलकर बनी है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट शेप है और ये एक सिंबल के तौर पे यूज की जाती है अगर इससे मजीद आगे बढ़ के हम शेप्स के विजुअल मीनिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही मज़े की बात है कि तमाम शेप्स जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं उनकी डिज़ाइन और विजुअल के हवाले से ख़ास अफादियत है और हर शेप का विजुअल डिज़ाइन के अंदर कुछ खास मीनिंग हुआ करता है मिसाल के तौर पे हम डिस्कस करते हैं जो चार सबसे बेसिक जोमेट्रिक शेप्स हमारे पास हैं जैसे कि सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल और स्क्वायर। जानने की कोशिश करते हैं कि इन चारों शेप्स की विजुअल डिजाइन के लिए क्या एप्लीकेशन हो सकती है या क्या विजुअल मीनिंग हो सकता है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की मेरा आप लोगों से एक सवाल है क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि क्रिकेट और फुटबॉल में यूज होने वाली बॉल हमेशा राउंड ही क्यों हुआ करती है या गाड़ियों और बाइक्स में यूज होने वाले व्हील्स यानी कि टायर्स वो भी हमेशा राउंड ही क्यों हुआ करते हैं जी जनाब इसका मकसद ये है कि राउंड चीज़ मूवमेंट या मोशन के काम आती है इसीलिए ये तमाम चीज़ें हमेशा राउंड बनाई जाती हैं तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम कोई भी डिज़ाइन बना रहे होंगे और हमें अगर अपने डिज़ाइन में मूवमेंट या मोशन की फील देनी होगी तो हम सर्कुलर शेप्स का सहारा ले सकते हैं इसी तरह से बात करते हैं ट्रायंगुलर शेप्स की दोस्तों रोड्स के ऊपर आप रोड साइंस देखते हैं आप देखते हैं कि इन डिफरेंट रोड साइंस में एरो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है एरो एक शेप ही है जिसके एंड पे ट्रायंगुलर शेप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों अगर आप किसी इवेंट पर जाए तो आप वहां पर डायरेक्शनल साइंस देखते हैं ये डायरेक्शनल साइंस भी एरो की मदद से ही आपको किसी खास लोकेशन की तरफ डायरेक्ट करने का काम करते हैं इनके अंदर भी ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाता है तो अब जरा सोच के बताइए कि इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स में ट्रायंगल जो शेप है इसका क्या विजुअल मीनिंग हुआ जी बिल्कुल सही ट्रायंगल की जो शेप है ये डायरेक्शन देने के काम आती है लिहाजा हमें पता चला कि अगर हमें डिजाइन बनाते हुए अपने डिजाइन के अंदर डायरेक्शन की सेंस देनी हो तो हम ट्रायंगुलर शेप्स का सहारा ले सकते हैं चले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसका इस्तेमाल आप रोजाना उस वक्त करते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हैं दोस्तों तकरीबन हम सभी लोग डेली रोड्स के ऊपर ट्रेवल करते हैं आपको पता है कि रोड्स की विथ इतनी नहीं हुआ करती जिनकी जितनी उनकी लेंथ हुआ करती है ऐसा क्यों है दरअसल रोड्स डिस्टेंस को कवर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं अगर आप रोड्स को ऊपर से देखें तो एरियल व्यू में रोड रेक्टेंगल की शक्ल की दिखेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि रोड्स लेंथ या डायरेक्शन की सेंस देती हैं लिहाजा अगर हमें अपने डिज़ाइन में कहीं भी लेंथ या डायरेक्शन को शो करना हो तो हम रेक्टेंगुलर शेप्स का सहारा ले सकते हैं दोस्तों आखिरी ज्योमेट्रिकल सिंपल शेप की बात करते हैं जो कि है स्क्वायर। कभी आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार ने घर नया नया शिफ्ट किया हो आप उसके घर मेहमान जाए और उसके घर में कार्ट पड़े हों दोस्तों उन कार्ट को दूर से देख के ही आपको यह एहसास होगा कि इनके अंदर कोई चीज मौजूद है कोई वेट मौजूद है बेशक वो खाली ही क्यों ना हो लेकिन आपको बज़ाहिर देख के उनके अंदर वेट का एहसास होगा उसकी वजह यह है कि उनकी जो शेप है वो स्क्वायर है और स्क्वायर जो शेप है ये हमेशा वेट या स्ट्रेंथ को शो करती है लिहाजा जब हम डिजाइन बना रहे हों और हमें अपने डिजाइन के अंदर वेट या स्ट्रेंथ को शो करना हो तो हम स्क्वेयर शेप्स का सहारा ले सकते हैं दोस्तों जब हम शेप्स को एक दूसरे से दूर या करीब मूव करके देखते हैं तो बेसिकली हम डिज़ाइन के ही एक प्रिंसिपल प्रॉक्सिमिटी के ऊपर काम कर रहे होते हैं आने वाले लेक्चर्स में मैं आपसे प्रॉक्सिमिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करूंगा। दोस्तों ये जो प्रॉक्सिमिटी का अमल है ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर मैसेज को कन्वे करना आसान बनाती है बेसिकली जब हम शेप्स को दूर या नज़दीक करते हैं तो उनके बीच में आपस में एक रिलेशन क्रिएट होता है यही वो रिलेशन है जिसकी मदद से हम अपने डिजाइंस को देखने में अच्छा बना सकते हैं ईजीली अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं और ऑडियंस को ग्रैब करके रख सकते हैं दोस्तों शेप्स के हवाले से एंड में मैं आपसे दो एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले तो अगर हम नजर ढालें डिफरेंट ब्रांड्स के लोगोस की तरफ आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त डिफरेंट ब्रांड्स के लोगोस मौजूद हैं अगर आप गौर से देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो तमाम लोगोज हैं ये डिफरेंट किस्म की शेप से आपस में मिल के बने हैं और अब ये पूरा एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर बात की जाए लेटर्स की चाहे कोई भी लेटर हो वो डिफरेंट जोमेट्रिक ऑर्गेनिक या एबस्ट्रेक शेप से मिल के बनता है और उसका लैंग्वेज के अंदर एक अपना मीनिंग हुआ करता है बिल्कुल इसी तरह से जब एक से ज्यादा लेटर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बेसिकली वो भी शेप्स ही आपस में कंबाइन हो रही होती हैं और एक वर्ड हमारे सामने विजुअल फॉर्म में आ जाता है जिसका कि एक नया मीनिंग हो सकता है दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को शेप्स के हवाले से ग्राफिक डिज़ाइन में आप कभी भी दिक्कत नहीं होगी और आप कोशिश करेंगे कि अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनिक जोमेट्रिक और एब्स्ट्रैक्ट शेप्स को ढूंढें और उनके विजुअल मीनिंग को तलाश करने की कोशिश करें इस तरह से आपको ग्राफिक डिजाइन में बहुत ज्यादा हेल्प होगी